नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। हमने जो है कि विटामिन ई तक पढ़ा चुका है और विटामिन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चलते हैं विटामिन के पर। तो अगर हम कहें हमारे शरीर में विटामिन के क्यों आ सकता है, तो इसका क्या काम है, तो हम कहें हमारे शरीर में विटामिन के का क्या काम होता है, तो यह क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है। क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है, रक्त का थक्का। अब रक्त का थक्का का मतलब क्या हुआ, जैसे हम कहेंगे कि हमारे शरीर में कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है, कट गया, मान लीजिए किसी तरीके से कट गया भाई चार, तो उसका क्या करना है कि जैसे 2 से 5 मिनट के अंदर भीतर ही क्या है, ब्लड का रुकाव हो जाना चाहिए। लेकिन जब हमारे शरीर में विटामिन के की मौजूदगी नहीं रहेगी, कमी रहेगी, तब हमारा रक्त का थक्का जल्दी नहीं जम पाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं इसका काम क्या होता है, रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो एग्जाम में पूछता है क्या कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, नेफ्थोक्विनोन। क्या है? नेफ्थोक्विनोन। बोलेंगे फिर से, नेफ्थोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। उसके बाद अगर हम कहें दूसरा नाम कहता है क्या है, तो फिलोक्विनोन। दोनों नाम आते हैं, नेफ्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन। ठीक है, उसके बाद हम कहें विटामिन के का खोज किसने किया है, तो विटामिन के का खोज एच डेम ने किया है। कौन क्या है? तो एच डेम ने किया है, और यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विटामिन के का खोज किसने किया है, तो एच डेम ने किया है। और विटामिन के का काम तो आपको बताए हैं रक्त का थक्का जमाना, तो उसमें प्रोटीन कुछ होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं हमारे ब्लड को थक्का जमाने में मदद करते हैं। तो हम कहें विटामिन के का निर्माण कैसे होता है, तो हम कहेंगे कि प्रोथ्रॉम्बिन, क्या प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जो होते हैं हमारे यकृत में, कहां पर होते हैं, यकृत, यकृत में होते हैं। यही क्या करता है, वहां से स्राव होता है, यकृत से ही स्राव होते हैं जो प्रोटीन, यही विटामिन के का निर्माण करते हैं, तब वही क्या होते हैं हमारे ब्लड को थक्का जमाते हैं। और उसके साथ साथ एक हम बात करेंगे कि हिपेरिन, हिपेरिन ई जो है, हेपेरिन बोलते हैं या हिपेरिन बोलते हैं, ये भी एक तरीके का प्रोटीन है। यह रक्त को थक्का न जमने देता है, नहीं जमने देता है। एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा है कि हेपेरिन का क्या काम है, तो ब्लड को थक्का न जमने दिया जाता है, नहीं जमाता है। कहां पर नहीं जमने देता है, तो हमारे ब्लड के नस में, क्या होते हैं जैसे सीरा और क्या है धमनी है, उनके भीतर क्या होता है, हेपेरिन रहता है मौजूद, जिसके वजह से हमारे सिरा और धमनी के अंदर क्या होते हैं, ब्लड का थक्का नहीं जमने देते हैं। ई भी एक ए प्रोटीन है, एक प्रोटीन, एक प्रोटीन, ये तीन प्रोटीन है, प्रोथ्रॉम्बिन, फाइब्रिनोजन और हेपेरिन। ई दोनों ब्लड को थक्का जमाते हैं, लेकिन हिपेरिन जो होते हैं ब्लड का थक्का नहीं जमाते। और कहां पर, तो हम कहेंगे सिरा और धमनी में क्या होते हैं, नस में ब्लड का थक्का नहीं जमने देते, नहीं ब्लड का थक्का जमेगा अभी मर जाएगा, तो इसलिए यह नहीं जमाता, और बाहर दोनों यह जमाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे कि यह तीनों प्रोटीन कहां से स्रावित होते हैं, कहां से मिलते हैं, तो हम कहेंगे क्या, लिवर या यकृत से। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि विटामिन के का निर्माण कहां से, किस स्थान से होता है, तो विटामिन के का जो निर्माण होता है हमारे बड़ी आंत, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इकोलाई बैक्टीरिया, क्या इकोलाई बैक्टीरिया नामक क्या करते हैं, बैक्टीरिया से हमारे बड़ी आंत में विटामिन के का निर्माण होता है। ठीक है, हम कहेंगे विटामिन के कहां निर्माण होता है, तो हम कहें बड़ी आंत में, हमारे बड़ी आंत में, जंतुओं के बड़ी आंतों में, और इकोलाई बैक्टीरिया, क्या एग्जाम में पूछा हुआ कि विटामिन के को कौन निर्माण कराता है, कौन बैक्टीरिया, या हमारे बड़ी आंत में कौन बैक्टीरिया है जो विटामिन का निर्माण कराता है, तो हम कहेंगे क्या, इकोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि विटामिन के जो होता है वसा में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, घुलनशील होते हैं, वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं। उसके बाद हम कहेंगे कि विटामिन के का संचय कहां होता है, तो विटामिन के का संचय होता है कहां पर, यकृत और लिवर में, यकृत और लिवर में, यकृत और लिवर में ही भविष्य के लिए विटामिन के संचित होता है। अब ऐसे हम कहें सबसे ज्यादा यकृत में कौन सा संचित होता है, तो सबसे ज्यादा कहा जाता है, तो ए होता है। ठीक है, ए जो होता है सबसे ज्यादा संचित होता है, लेकिन के भी होते हैं। ठीक है, यकृत में। उसके बाद नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है क्वेश्चन कि बड़ी आंत में कौन कौन से विटामिन इकोलाई बैक्टीरिया के द्वारा निर्मित होता है, कौन कौन बड़ी आंत में हमारे विटामिन पाए जाते हैं,
तो हम कहें B1 जिसको कहते हैं थायमिन, ठीक है। उसके बाद हम कहें B2, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेमिन। उसके बाद हम कहेंगे B12 को बोलते हैं साइनोकोबालमिन, और विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्यूनो और नेफ्थोक्यूनो। इतने विटामिन, चार विटामिन ऐसे हैं कि बड़ी आंत में आते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बड़ी आंत में, हमारे या जंतुओं के बड़ी आंत में कौन से विटामिन का निर्माण होता है, कौन कौन से विटामिन का, तो इन चारों विटामिन, कितने विटामिन होते हैं निर्माण होता है, चार विटामिन का निर्माण होता है, B1, B2, B12, B के होते हैं, ठीक है। B1 का नाम थायमिन पढ़ा चुके हैं, B2 का नाम इसको भी पढ़ा चुके हैं राइबोफ्लेमिन, और B12 को हम कहेंगे साइनोकोबालमिन, और विटामिन के तो अभी चल रहा, ठीक है, नेफ्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन। आगे बात करेंगे कि विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, तो रक्त का स्राव, या इसको बोलते हैं क्या, हेमरेज नाम से आता है कि विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो हेमरेज। या आपसे पूछ देगा कि हेमरेज जो बीमारियां होती हैं हमारे शरीर में किस पोषक तत्व के खराब से होने से या कमी होने से हो जाता है, तो हम कहेंगे हेमरेज। हेमरेज का मतलब ब्लड का क्या है, थक्का न जमा, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्रोत में कहेंगे, स्रोत में क्या कहेंगे, तो सब्जियां लेना चाहिए, सब्जियां। उसके बाद अगर हम कहेंगे कि दूध पनीर, ठीक है, यकृत, उसके बाद मछली, ठीक है, इसके वजह से हम कहेंगे ये क्या है, ये सभी क्या है, सब्जियों को लेंगे आप, दूध और पानी, क्या है, पनीर, यकृत और क्या है, मछली, और ड्राई फ्रूट का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, जैसे हम कहेंगे अखरोट है, उसके बाद पिस्ता बादाम मेवा है, ये सब चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं विटामिन के, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें, नोट में एक क्वेश्चन आता है कि हीमोफीलिया बीमारी क्या, इसमें तो हमको बताना नहीं चाहिए था कि हीमोफीलिया रोग क्या है, लेकिन यहां पर बताया है तो हीमोफीलिया देख लेंगे। हीमोफीलिया क्या है, जैसे हम कहें हीमोफीलिया में क्या है, हीमोफीलिया सबसे पहले अगर कहा जाए तो इंग्लैंड की रानी को हुआ था, क्या, हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है कि पूछता है क्वेश्चन कि हीमोफीलिया जिनको बीमारी होता है, या किन व्यक्तियों को चाकू और औजार या सुई, इन सब चीजों से दूर रखा जाता है, तो उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी होती है, तो हम कहेंगे हीमोफीलिया। इसलिए क्योंकि इसमें जब किसी व्यक्ति का क्या होता है, जो बीमारियां, ये आनुवंशिक बीमारी है, ठीक है, जेनेटिक है, क्योंकि जेनेटिक है जिसके वजह से ही प्रॉब्लम होता है, कि यह क्या है कि जिनको अगर चाकू छुरी इन सब चीजों से, सुई से दूर रखा जाता है, क्योंकि वह चुभ जाता है तो वह ब्लड ब्लीडिंग होने लगेगा, तो उसमें रक्त का रुकाव नहीं हो सकता है, जिसमें क्या है, विटामिन के की प्रचुर मात्रा कमी होती है, जिसके वजह से क्या होता है, ये हीमोफीलिया बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। अगर बात करें कि विटामिन के बारे में आपको इतना डिटेल में बताया है, अब विटामिन पूरे खत्म हो गए, ठीक है। विटामिन आपको पढ़ा है, विटामिन दो भागों में बांटा गया था, और जिसमें जल और वसा में, जल में आपको पढ़ा चुके हैं बी और सी के बारे में डिटेल बताए हैं। उसके बाद विटामिन वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उसमें केडा बताए थे, ई ए डी के, ये सभी क्या है, विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन थे, सभी विटामिनों को बता दिए। अब आपको अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, सभी विटामिन को एक बार रिवाइज करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी पेपर से क्वेश्चन कलेक्ट करके हम क्या है, विटामिन के पूरे क्वेश्चन कलेक्ट कराएंगे आपको, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अगर ठीक है तो ठीक है, अगर वीडियो में कोई गड़बड़ी हो रही है तो आप कमेंट जरूर करें कि सर ये दिक्कत है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, चाहे जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है आप जरूर वीडियो में शेयर करें, ठीक है, धन्यवाद।